अजमेर के पुष्कर में जूता उछाल कांड के बाद मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर फिर से सारे इशारों में हमला कर दिया। जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों और उस पर कोई आम आदमी आकर जूता फेंक दे, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ। हालांकि मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को कई प्रकार की घटनाओं से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। देश में हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लोग जूता फेंकते थे, तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये प्लैंड घटना है, इस बात का दुख है। भविष्य में इसके कई तथ्य उजागर होंगे और जब उजागर होंगे तो उन तथ्यों के साथ में निश्चित रूप से आप सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ड्यूट पे लिया है जी, उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। उन्होंने भी दुआया क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है, उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं, तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार के चीजों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार की हरकत